हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए फोर सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री है, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व का इतिहास, आपको अपने बीए फोर सेमेस्टर में पढ़ना है और मैं इसकी क्लास शुरू कर चुकी हूँ। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आपके फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें मैं हमें आज की वीडियो में पढ़ना है इटली का एकीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होता है पुनर्जागरण से, तो वो यूनिट नंबर वन में आपको पढ़ना था पुनर्जागरण, हमने पढ़ लिया। हमने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और उसमें मार्टिन लूथर का सुधार पढ़ लिया। हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ ली जो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। हमने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति पढ़ ली। हमने अमेरिका की क्रांति पढ़ ली, फ्रांस की क्रांति पढ़ ली और आज की इस वीडियो में हम इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। और देखिए फिर आगे हमें पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आगे रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। वो सब कुछ हम पूरा एक डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी लिखित परीक्षा होती हो या आपकी एमसीक्यू टाइप परीक्षा होती हो, आप पूरी क्लास देखा करो, आप एक एक चीज़ को देखा करो, क्योंकि पूरी वीडियो जब मैं डिटेल वीडियो अपलोड करती हूँ, टॉपिक आपकी क्लास अपलोड करती हूँ, तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए होते हैं या लिखित परीक्षा के लिए होते हैं, वो सब मैं बताती रहती हूँ। तो आप जब पूरा देखे रहोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं लिखित परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अपलोड करूँगी, मॉडल पेपर अपलोड करूँगी, सब कुछ अपलोड करूँगी। देखिए इटली का एकीकरण शुरू करते हैं, इटली का एकीकरण जिसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब ये एकीकरण क्या है इसको समझते हैं, तभी तो हम पढ़ पाएंगे कि आखिर ये इटली का एकीकरण है क्या चीज़। पहले एकीकरण को समझ लेते हैं। देखिए एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। इटली को पूरा इकट्ठा करके एक राष्ट्र बना दिया गया, यानी इटली का जब अभी एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले, एकीकरण से पहले इटली की जो स्थिति थी वो, देखिए इटली जो था वो सात राज्यों में बटा हुआ था, सात महत्वपूर्ण राज्यों में बटा हुआ था इटली। तो इटली का एकीकरण किया गया, सभी राज्यों को एक में मिलाया गया, जिसे इटली का एकीकरण हो गया, यानी इटली अब एक हो गई। फिर इटली की राजधानी रोम को घोषित किया गया। तो आपको यही पढ़ना है कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ और एकीकरण से पूर्व कौन से महत्वपूर्ण सात राज्य हैं और उन पर किसका अधिकार था वो हम देखेंगे, और एकीकरण में क्या क्या बाधाएं यानी क्या क्या रुकावटें आ रही थी इटली का एकीकरण करने में, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एकीकरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इटली के एकीकरण से पूर्व की स्थिति, यानी पहले की स्थिति कैसी थी। जैसा कि मैंने बताया सात राज्यों में बटा हुआ था। देखिए नेपल्स और सिसली ये जो राज्य थे, इन पर फर्डिनेंड प्रथम की सत्ता थी। अब आप देखिएगा वो जो सात राज्य बटे हुए थे, सब पर अलग अलग लोगों की हुकूमत थी, यानी कि विदेशी शासकों का अधिकार था। ऐसा नहीं है कि जितना पूरा इटली का ये सात राज्य है तो इन पर किन का अधिकार हो, सिर्फ इटली के ही लोगों का अधिकार था, ऐसा नहीं था। नेपल्स तथा सिसली ये जो था, ये था फर्डिनेंड प्रथम के अधिकार में। इस पर कौन अधिकार कर रहा था, ये अधिकार कर रहा था, ये शासन कर रहा था। देखिए फिर है अगला लोमबार्डी और वेनेशिया, इस पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का। और देखिए ऑस्ट्रिया का जो अधिकार था इन राज्यों पर, ये बहुत बड़ी एक बाधा बन रही थी इटली का एकीकरण करने में। लेकिन फिर किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ और कौन से प्रमुख व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना योगदान दिया इटली का एकीकरण करने में, इन सभी राज्यों को मिलाने में, वो सब हम पूरा डिटेल में आज जानेंगे। और देखिए यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपका जब इतिहास देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है। अगला देखो, अगला है रोम। रोम ये एक राज्य था, ये भी प्रमुख एक राज्य था, इस पर पोप का शासन था। उसके बाद पार्मा, मोडेना और टस्कनी, इन राज्यों पर शासन था सूर्यवंश के राजाओं का। उसके बाद देखिए बस एक ऐसा राज्य था जिस पर इटली के ही शासकों का, राजघरानों का शासक था, वो था सार्डिनिया पीटमांड। ये जो राज्य था इस पर इतावली राजघरानों का शासक था।
तो बस यही सार्डिनिया पीटमांट एक ऐसा राज्य था जहाँ पर इटली के लोगों इटली के लोग शासन कर रहे थे। उसके अलावा इटली के इन सभी राज्यों पर विदेशी सत्ताओं का अधिकार था, विदेशी इस पर शासन कर रहे थे। तो जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इटली के एकीकरण में, तो सार्डिनिया पीटमांट तो उन्हीं के अंडर में था। तो वो चाहते थे कि ये सारे राज्यों को मिला लिया जाए सार्डिनिया पीटमांट में और इटली का एकीकरण कर दिया जाए, इटली को एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए। और तो बस आइए अब देखते हैं, ये सात राज्य आपको याद हो गए और ये आपको शासकों के नाम याद रखने कि किस पर कौन शासन कर रहा था। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या बाधाएं आ रही थी इटली के एकीकरण में। देखिए, इटली के एकीकरण में प्रमुख जो बाधाएं थी, पहला उसमें था विदेशी आधिपत्य। अभी हमने देखा सभी राज्यों पर जो शासन कर रहे हैं वो विदेशी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख बाधा जो डाल रहा था वो था ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था और उसका प्रभाव इटली के विघटित राज्यों पर बहुत अधिक था। तो इसलिए इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब आप ही बताइए कि जब विदेशी आकर यहाँ पर शासन करें किसी भी देश में, तो हम उनसे कहें चले जाओ इस राज्य को छोड़ के, तो क्या चले जाएंगे? जब उन्हें यहाँ से ऐशो आराम हर चीज़ मिल रहा है, तो क्या वो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। दूसरी बाधा थी इटली के जो स्वयं शासक थे, इटली के जो शासक थे उनमें पारस्परिक ईर्ष्या एवं वैनमस्या वहाँ के एकीकरण में बार्ग में औद्योरक का कार्य कर रही थी। यानी कि इटली के कुछ शासक ऐसे थे जो निरंकुश थे, वो जनता पर अपनी निरंकुशता थोपना चाहते थे। तो ये भी एक कारण था इटली के एकीकरण में, एक प्रमुख बाधा थी। तो ये महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, आप इनको याद रखिएगा। आइए अब हम उन प्रमुख व्यक्तियों को जान लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं जिन्होंने इटली का एकीकरण करवाया, इटली को एक राज्य के मतलब एक राष्ट्र के रूप में बनाया, सभी राज्यों को मिलाया, इटली में उसका विलय कराया। तो कौन से वो महान व्यक्ति हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ज्यूसेपे मेजनी। ज्यूसेपे मेजनी ने 1832 में क्या किया, एक यंग इटली की स्थापना की। देखिए, एक संस्था बनाई यंग इटली। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इटली का एकीकरण करना था, लेकिन देखिए वो इसमें सफल तो नहीं हुए। लेकिन आगे देखिए इटली का एकीकरण होता है तो किस तरह से होता है और किस वर्ष से शुरू होता है, हम वो भी देखेंगे। तो ज्यूसेपे मेजनी का भी योगदान रहा है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो है विक्टर एमेनुअल द्वितीय का। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा लिखा हुआ है सेकंड, विक्टर एमेनुअल सेकंड या द्वितीय। देखिए 1848 में ये बने थे राजा, कहाँ के? सार्डिनिया और पीटमांट के शासक थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। तो देखिए, सार्डिनिया पीटमांट ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिस पर इटली के शासकों का अधिकार था, तो वहाँ के राजा बने थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। लेकिन देखिए विक्टर क्या करते हैं, 1852 ईस्वी में काउंट कावूर को सार्डिनिया पीटमांट का प्रधानमंत्री बना देते हैं। और काउंट कावूर का जो योगदान है इटली के एकीकरण में वो बहुत ज़्यादा अधिक है, आपको इनका नाम याद रखना है बहुत अच्छे से। तो देखिए यहीं से शुरू होता है इटली का एकीकरण। अब देखिए काउंट कावूर जब 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनते हैं सार्डिनिया पीटमांट के, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये इटली की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की सहानुभूति प्राप्त करते हैं और फ्रांस इनका साथ भी देता है। देखिए ऑस्ट्रिया के साथ 29 अप्रैल 1859 ईस्वी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1859 ईस्वी में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसमें फ्रांस साथ देता है काउंट कावूर का, जिसमें वो जीत जाते हैं और ऑस्ट्रिया हार जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया के अंडर में जो राज्य थे वो कौन से थे, कौन से राज्य थे, एक लोम्बार्डनी था और एक वेनेशिया था। तो एक संधि होती है, तो लोम्बार्डी जो था, लोम्बार्डी राज्य जो था
वो सार्डिनिया पीटमांट के अधीन आ जाता है, यानी उस पर काउंट कावड़ का अधिकार हो जाता है और उसको सार्डिनिया पीटमांट में मिला लिया जाता है। तो इसलिए लोम्बार्डी जो राज्य था वो तो आ चुका है अब इटली के एकीकरण में, मतलब ये तो एक हो चुका क्योंकि इसको सार्डिनिया पीटमांट में मिला लिया जाता है। तो यहीं से शुरू होता है इटली का प्रथम चरण, इसके बारे में अभी आगे मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। चौथे जो महान पुरुष रहे हैं इटली के एकीकरण में वो रहे हैं गैरिबाल्डी। देखिए आगे इनके बारे में आपको पढ़ना है, गैरिबाल्डी के बारे में आपको देखना होगा। देखिए 1860 ईस्वी में इटली के जब तृतीय चरण में आप पढ़ेंगे इटली के एकीकरण का तीसरा चरण तीसरी प्रक्रिया, तब उसमें आपको गैरिबाल्डी का योगदान देखने को मिलेगा। 1860 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स जो राज्य थे, सिसिली और नेपल्स, इसको इटली के एकीकरण में एकीकृत किया गया, इसको भी सार्डिनिया पीटमांट में मिलाया गया इन राज्यों को। तो अब देखिए धीरे धीरे एक एक राज्य को सार्डिनिया पीटमांट में मिलाया जा रहा था इटली के एकीकरण में। तो सिसिली और नेपल्स को इटली के एकीकरण में विलय कराने में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तो आप उन प्रमुख व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव उस टाइप में ज़रूर पूछेगा और जिनकी लिखित परीक्षा होती है तो उन्हें तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा क्योंकि आपका प्रश्न कैसे पूछेगा। इटली के एकीकरण को इटली के एकीकरण पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए, तो आपको पूरा एकदम स्टार्ट से लिखना होगा, जिस तरह से मैंने ये वीडियो में पूरा आपके लिए नोट्स बनाया है। और ये जो मैं बोल भी रही हूँ तो ये भी आप नोट करते रहिए, सारा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए इटली के एकीकरण के चरण या प्रक्रिया, कितने चरण में इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो 5 चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। सबसे पहला चरण देखिए, प्रथम चरण। प्रथम चरण किस व्यक्ति के समय में शुरू हुआ? काउंट कावूर के समय में, जब 1852 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं सार्डिनिया पीटमांट के, तब कावूर एक क्या करते हैं, इटली की शक्ति को बढ़ाते हैं और फ्रांस इनका साथ देता है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में। और 29 अप्रैल 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है इटली का, और क्या होता है कि पीटमांट के मध्य युद्ध हुआ। पीटमांट आपको याद रखना है, सार्डिनिया पीटमांट ये राज्य था काउंट कावूर का। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हार जाता है, और जब ऑस्ट्रिया हारता है तो संधि होती है, बिला फ्रेंडा की संधि होती है, बिला फ्रेंडा की संधि याद रखिएगा। इस संधि के तहत लोम्बार्डी जो राज्य था वो देना पड़ता है किसको, सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया जाता है। और कावूर का ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के अंडर जो राज्य था लोम्बार्डी उसको ले लिया और पीटमांट में मिला लिया। तो देखिए इसमें पीटमांट की, ऑस्ट्रिया की हार होती है, फ्रांस तथा पीटमांट की संयुक्त सेना मिलकर लड़ती है और ऑस्ट्रिया हारता है और लोम्बार्डी को पीटमांट में मिला लिया जाता है। तो एक राज्य तो अब ऑस्ट्रिया के कब्जे से ले लिया गया, एक राज्य बचा है वेनेशिया, वो आगे हम देखेंगे, वो भी ले लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और यह अब सार्डिनिया पीटमांट पर के अस्तित्व अधिकार में आ जाता है। ये पहला चरण, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा चरण देखिए, जो राज था पार्मा, मोडेना और टस्कनी, यहाँ पर देखो जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह यानी कि देखिए पार्मा, मेडोना और टस्कनी की जो रियासतें थी वहाँ के जो लोग थे अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे वो इटली के तो थे नहीं, विदेशी थे, शासन कर रहे थे, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो फिर जनमत संग्रह कराया जाता है, तो पार्मा, मेडोना और टस्कनी के जो लोग थे वो पीटमांट राज्य में खुद को मिलाने के लिए वोट दे देते हैं, यानी ये कहते हैं कि हाँ हम इटली के एकीकरण में मिलना चाहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुसंख्यक लोग क्या कहते हैं कि पार्मा, मेडोना, टस्कनी के लोग इटली के एकीकरण में खुद को विलय करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पार्मा, मेडोना और टस्कनी ये सभी राज्य सार्डिनिया पीटमांट में मिल जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये राज्य और लोम्बार्डी द्वितीय चरण तक सार्डिनिया पीटमांट में मिल चुके हैं।
अभी कुछ राज्य बाकी हैं, वो भी तीसरे चौथे पांचवें चरण में कंप्लीट हो जाएंगे और इटली का एकीकरण संपन्न हो जाएगा। अब देखिए तृतीय चरण, तृतीय चरण में आपको देखना है सिसिली और नेपल्स, ये जो राज्य थे इस पर भी पीटमांड का अधिकार हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि सिसिली के जो निवासी थे वो विद्रोह कर देते हैं अपने शासकों के खिलाफ। शासक कौन था वहाँ पे, शासन कौन कर रहा था, शासक था फ्रांसिस द्वितीय, ये शासन कर रहा था सिसिली और नेपल्स पर। तो वहाँ के निवासी इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और विद्रोहियों का जो नेता था उनका नाम था क्रिस्पी। तो क्रिस्पी को सहयोग मिलता है गैरिबाल्डी का। गैरिबाल्डी का नाम अभी आपको मैंने पीछे बताया भी है कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इटली के एकीकरण में। सिसिली और नेपल्स राज्य को इटली के एकीकरण में विलय कराने में गैरिबाल्डी का योगदान है। गैरिबाल्डी क्रिस्पी को मदद देते हैं। तो क्या होता है, देखिए होता क्या है कि यहाँ के जो लोग थे वो खुद को क्या करते हैं, इटली के विलय में मतलब इटली के साथ एकीकरण करने में मतलब वोट देते हैं, यानी कि यहाँ की जनता तैयार हो जाती है कि वो खुद को इटली के एकीकरण में विलय कराना चाहती है। तो इस तरह से इटली के विलय में सिसिली और नेपल्स राज्य भी अब आ चुके हैं तृतीय चरण तक। तो फिर देखिए क्या होता है कि 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजभवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है और उस समारोह में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संपूर्ण इटली का शासन घोषित किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा तृतीय चरण तक सिसिली नेपल्स, ये तीसरे चरण में, दूसरे चरण में पार्मा मोडेना टस्कनी और प्रथम चरण में लोम्बार्डी, ये सभी राज्य इटली के एकीकरण में आ चुके हैं। कुछ राज्य बचे हैं, आइए अब उनके बारे में देखते हैं। अब देखेंगे इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण। चौथे चरण में क्या होता है कि 1861 ईस्वी में पीटमांड के पीएम जो थे जिनका नाम था काउंट कावूर, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब काउंट कावूर की मृत्यु होती हो जाती है तो इटली के एकीकरण की जो पूरी बागडोर थी वो सम्राट विक्टर, यहाँ पे देखिए रज छूट गया नोट्स बनाने में, यहाँ पे आप विक्टर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो इटली के एकीकरण की जितनी भी जिम्मेदारी थी, जितने भी काम थे, वो सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय के हाथों में आ जाती है। और देखिए अभी तक जो वेनेशिया और रोम था वो पीटमांड के अधिकार में नहीं था, बस यही अब दो राज्य बच गए थे जो पीटमांड के अधिकार में नहीं थे, बाकी सारे तो अब आ चुके थे। तो देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के पश्चात वेनेशिया में जनमत गणना होती है और वेनेशिया के जो लोग थे वो इटली के विलय में खुद को जोड़ देते हैं। तो इस तरह वेनेशिया जो अभी तक ऑस्ट्रिया के कब्ज़े में था उसको भी इटली के साथ मिला लिया जाता है। और अब देखिए वेनेशिया भी इटली के विलय में आ चुका है। अब बचा एकमात्र ऐसा राज्य जो अभी तक सार्डिनिया पीटमांड के अंडर में नहीं था, तो वो राज्य था रोम। तो पांचवें चरण में अब हम देखिए पांचवें चरण में विक्टर इमैनुअल द्वितीय द्वारा रोम पर अधिकार कर लिया जाता है और रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दी जाती है। और इस तरह देखिए जनमत संग्रह के बाद रोम को भी सार्डिनिया पीटमांड में मिला लिया गया, रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। और इस प्रकार से रोम में पोप की जो सत्ता थी, मैंने आपको बताया था ना कि रोम में पोप का शासक है, तो इस तरह रोम में पोप की सत्ता की समाप्ति हो जाती है और इटली का एकीकरण पूरी तरह से हो जाता है। अब देखिए इन पांच चरणों में जितने भी राज्य अलग अलग बटे हुए थे, तो इन पांच चरणों में वो सभी राज्य इकट्ठा कर लिए गए, इटली में जोड़ लिए गए, इटली का एकीकरण हो गया और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो आई होप आपको इटली का एकीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए मॉडल पेपर की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ और ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर की भी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, उसके लिए आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा आपके अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास भी चैनल पर चल रही है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा।